भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टेटस इस बात से अब आजकल तय हो रहे हैं किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, कितनी फिल्में हैं, कितने स्टेज शो हैं और तो और कितनी उसकी फैंस फॉलोइंग है। तो भाई चलिए आज हम आपके सामने रखेंगे कुछ ऐसे तथ्य जिससे आपको पता चलेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल राघवानी और अक्षरा सिंह का क्या स्टेटस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल राघवानी एक आउटसाइडर है, यानी कि गुजरात से आई हुई हैं और गुजराती बाला इन्हें कहा जाता है। साथ ही साथ भोजपुरी का एक बहुत ही इनोसेंट फेस है। उसके बाद हम अक्षरा सिंह की बात करें तो भाई ये है अपने बिहार की छोरी और बहुत ही जल्दी इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में वो मकाम हासिल किया है जो बहुत कम के नसीब में होता है। हम अक्षरा की बात कर लेते हैं तो भाई अक्षरा सिंह आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम बन चुकी है जो अपने दम पर स्टेज शो करती हैं और अपने दम पर ही आजकल ये भोजपुरी इंडस्ट्री में टिकी भी हुई हैं। अक्षरा और काजल के कंपेयर करने की वजह एक ये है कि ये दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन भी मानी जाती है। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं जितनी कट्टरता आपको खेसारी और पवन में दिखेगी उतनी ही कट्टरता आपको अक्षरा सिंह और काजल राघवानी में दिखेगी। जी हाँ, ये दोनों आपको बता दें कि एक दूसरे की इतनी बड़ी दुश्मन है कि एक दूसरे को एक दूसरे के साथ फिल्मों में भी देखना पसंद नहीं करती। जैसे कि पवन सिंह के ब्रेकअप के बाद अक्षरा सिंह जब खेसारी के नज़दीक आने की कोशिश की तो भाई कई ऐसी फिल्में थी जिसमें से काजल राघवानी ने अक्षरा सिंह का पत्ता साफ कर दिया। खैर, ये सब बातों के लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज अब बात कर लेते हैं कौन है सबसे ज़्यादा अमीर। तो बात कर लेते हैं काजल राघवानी की। तो काजल राघवानी की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो काजल राघवानी बेसिकली बेस हैं पुणे में। वो भले ही रहने वाली गुजरात की हैं लेकिन वो पुणे में रहती हैं। पुणे में उनका एक बंगला है, साथ ही साथ और भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं। तो और उन्होंने गुजरात में भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं जिनकी कीमत काफ़ी हाई है। और अब बात करते हैं उनके फिल्मों की। तो भाई एक फिल्म करने का अब काजल राघवानी तकरीबन 8 लाख लेती हैं। जी हाँ, क्योंकि काजल राघवानी का पिछला साल और इस साल यानी दोनों साल मिलाएं तो काफ़ी बेहतरीन गया है। दोनों में उन्होंने एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं दी है। और तो और काजल राघवानी के कार की बात करें तो स्विफ्ट डिज़ायर और 2 काफ़ी लग्जरी कार है। और तो और काजल राघवानी तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया वो एक स्टेज शो करने का लेती हैं। अब बात कर लेते हैं अक्षरा सिंह की। तो अक्षरा सिंह का मुंबई में खुद का एक घर है और इस वक्त वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती हैं। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि अक्षरा सिंह कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट किया है जिसका खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया है। साथ ही साथ अक्षरा सिंह के पास 2 लग्जरी कारें हैं। एक लग्जरी कार तो ये बताया जाता है कि पवन सिंह ने उन्हें गिफ्ट की है। पर स्टेज शो करने का अक्षरा सिंह भी 3 से 4 लाख चार्ज करती हैं। जब पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह थी तो उनकी एक फिल्म करने का चार्ज 8 लाख हुआ करता था, लेकिन आजकल अक्षरा सिंह एक फिल्म करने का 5 लाख चार्ज करती हैं। तो भाई इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन दोनों अभिनेत्रियों में इस वक्त अमीर कौन है। ऐसे देखा जाए तो काजल राघवानी अक्षरा सिंह पर 20 पड़ती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।